Panda. I got broads in Atlanta. Since you don't need a fan. Credit cards and scammers. Getting no looks in the band. Legacy. ये अभी मैं अपनी ऑयलिंग के लिए लेकर आई हूँ. ऑयल जो है वो करने लगी हूँ हेयर पर, और बस अच्छे से ऑयल करना है क्योंकि एक हफ्ता हो गया कोई ऑयल शॉयल नहीं किया. तो बस ऑयल करूँगी यहाँ पे खड़े होके. और आप लोगों को पता ही है कि मैं कौन से ऑयल यूज़ करती हूँ. नहीं पता तो पिछली वीडियो जाके देखें, ठीक है. A few moments later. ये यहाँ पे इस वक्त हम लोग बना रहे हैं अपना डिनर. और पीटा ब्रेड जो है वो गर्म हो रही है. मेरी वो वाली पीटा ब्रेड कहाँ गई है? अच्छा, वो ले गई है. और ये जो है यहाँ पे फ्लाफिल तैयार हो गए. मेरी पीटा ब्रेड भी गर्म हो रही है. और आप लोगों को दूसरी तरफ ये दिखाती हूँ. ये से यहाँ से पीटा ब्रेड उठा के हुमस लगाए थोड़े से. बाकी वेजीज पड़ी हुई है. सारे काम, सब बच्चे काम पे लगे हुए हैं. मैं अब इसको जरा पलटूंगा आपके सामने, फिर आप लोगों को डिनर के टाइम पे मिलते हैं. ओके, ये देखें क्या खूबसूरत चीज बनी है. पिछली वाली वीडियोस का ना एंगल ठीक नहीं आ रहा था क्योंकि वो मैं अपने मोबाइल से नहीं शूट करी थी, भाई के मोबाइल से शूट करी थी. तो मुझे उसका एंगल नहीं बनाना आ रहा था क्योंकि मैं किसी के भी मोबाइल को कभी भी टच नहीं करती, ना मैं अपने मोबाइल को किसी को टच करने देती हूँ. तो इसलिए ना फिर जब आप पहली बार किसी का मोबाइल लेकर कुछ कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पता नहीं चल रहा होता कि एंगल सेट हो रहा है कि नहीं. खैर, ये हमारा सारा डिनर था, आप लोग देख सकते हैं बहुत मज़े का बना हुआ था. फुल अंधेरा है यार रूम में. मैं चला के आती हूँ. मैं वीडियो बना रही हूँ एक्चुअली. मैंने आप लोग मैं सच्चा ही लेकर रहा हूँ. आप लोग एक्टिंग वगैरह कर रहे थे. ये कौन था? ये भूत नहीं, वो सोया हुआ उधर. तत्तू टेंगा जीना मैं कोई को मिला ना. बहुत बुरा लगा मुझे. ये सब मोबाइल पे लगे हुए एक्चुअली. ये सब स्नैपचैट के दीवाने यहाँ पे बैठे हुए हैं और वही कर रहे हैं. सब अपनी अपनी बना रहे हैं. फजूल फजूल किस्म की यार. जिन्नों की बातें करें. हाँ, कल हम लोग बात सुनो, कल हम लोग जो जिन्नों की बातें कर रहे थे ना वो वाली करते हैं, ठीक है. ओ ये वाली दिखा रहा है. ये मुझे तत्ता खदीजा को करनी है. खदीजा ये सुन के तुम्हें कुछ याद आया? ये खदीजी हमारी बहन जो सबसे छोटी वाली है ना, उसको समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे थे. भाई उसको ना जब वो बेचारी छोटी होती थी, हमारा एज गैप काफ़ी ज़्यादा, जो सबसे छोटी वाली बहुत हमसे छोटी है, तो वो बेचारी को भाई ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें सिखाता था. और फिर भाई बोलता था चलो खदीजा करो, और वो करके दिखाती थी बेचारी. और भाई का और उसका बॉन्ड बहुत प्यारा. और कल हम लोग भाई कल वाली बातें करनी है, वही जिन्नों वाली. कल वाली करते बातें. कल हम लोग ना एक्चुअली अपना स्कूल टाइम याद कर रहे थे. और हमारा स्कूल जो है वो बहुत लाइक बहुत बड़ा स्कूल था. वैसे भी वो कतर का लाइक अगर देखा जाए तो मतलब जगह के लिहाज से भी बहुत बड़ा था और बहुत अच्छा स्कूल भी था वो बहुत. तो मैंने बहुत कितनी बार बोला वैसे. और अभी बातें कर रहे हैं. वो अपना लगी हुई है यार. स्नैपचैट के दीवाने लोग. तो हम कल याद कर रहे थे कि हमारे स्कूल के बारे में ना खुद ही बच्चे हम सारे मिलके रूमर्स फैलाते थे कि यहाँ पे ना एक जिन रहते हैं, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे वो होता है, और वो वाली स्टोरीज फिर याद करते. लेकिन उधर होता भी था, है ना भाई? वैसे सुना हुआ था. ऐसी चीज़ें थी भी क्योंकि वो बोलते थे कि वो जो सबसे फेमस चीज़ है, एक है
कि जो हर स्कूल पे के बारे में की जाती है कि ये स्कूल कब्रिस्तान के ऊपर बना है, हमें लगता था। और हमारे बस ड्राइवर भी ऐसे थे अल्लाह के फजल से, वो हमें स्टोरी सुनाते थे, हमने रात को यहाँ पे देख लिया। मैंने हमारा एक बस ड्राइवर था, उसका नाम था चाचा बलोच बोलते थे हम उन्हें, तो वो हमें रेगुलर कहानियाँ सुनाता था। और हम लोग जाके बस के सारे, जब क्योंकि हम लोग का घर आखिर में आता था, मैं मेरी बहनें और थे हनान, बाकी एक और दो भी थे, तो हम लोग जाके वहाँ पे बैठे थे। हम बोलते चाचा कहानी सुना, चाचा कहानी सुना। नहीं भाई, वी वर वेरी सिविलाइज्ड। जब ऐसे बोलते चाचा चाचा जी, अंकल अंकल भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादा चाचा बोलते हैं। चाचा चाचा स्टोरी बलोच, सुनाए। खुद बोलते हैं बलोच, बोलो मुझे चाचा बलोच बोलो। तो हम लोग, उसने कहानी सुनाने में कहता है कि एक दफ़ा जहाँ पे वुजू वाली जगह है वहाँ पे मैं वुजू करके जाने लगा तो पीछे से टूटी खुल गई। कहता मैंने फिर जाके बंद की, फिर जाने लगा, फिर टूटी खुल गई, फिर जाने लगा, बंद की, फिर जाने लगा, फिर टूटी खुल गई। कहता है उसके बाद मैं जब तीसरी दफ़ा गया तो मैंने टूटी बंद की और टूटी बंद नहीं हो रही थी, और उसके बाद उस टूटी में से खून आने लग गया। और हम कैसे सुनते थे जैसे पता नहीं यार अरे क्या बहुत हो गया। सीरियस चीज़ हो रही है, हाँ, लेकिन वही स्कूल का टाइम में यही होता है, सभी होता है। और घर में जाके हम, मैं तो इमेजिन भी कर रही था, हाँ मैं अगर वेट कर रहा था टूटी में से खून हाँ आएगा। मैं भी घर जाके, हम लोग फिर उसके बाद टैब चला के बैठे रहते थे, है कुछ ना कुछ तो शायद इधर भी होना ही होना। मतलब पूरी स्टोरी सुन के ना बच्चे थे, दिमाग में होता था शायद होना ही कुछ। हाँ 2-3 क्लास में थे तो तब तो यही सभी होता था। और अभी अभी चाचा ब्रोच हमें बड़े याद आते हैं यार। हाँ अभी भी जब जाते थे बस बहुत, अभी भी याद करते, सब बड़े हो गए कहना था। तो मैं अगर उस जगह होती ना तो रूह अफ़ज़ा उनके अंदर शामिल कर देती। रूह अफ़ज़ा किसमें? ऊपर टैंकी में जाके नहीं पता लग जाता खून अलग होता है। भाई फिर उसके बाद दूसरी कहानी भी सुनाई थी उसने। बोलता है कि ये जो जगह देख रहे हो, जो हमारा ग्राउंड, हम लोगों के तकरीबन कोई 4-5 ग्राउंड थे, बहुत बड़े बड़े ग्राउंड, फुटबॉल का, वॉलीबॉल का, बास्केटबॉल का, उसके बाद क्रिकेट के 3 ग्राउंड थे सिर्फ क्रिकेट के, या दो दो थे, एक प्रैक्टिसिंग था। तो वो बोलते हैं यहाँ पे मैंने देखा एक औरत जा रही है, दूर से नजर आई। कहता मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा तो जब मैंने देखा उसकी तो गर्दन ही नहीं है। और फिर वापस भाग के आ गया, अपने कमरे में छुप गया। फिर हम लोग उस जगह से भी डरते थे वहाँ पे। और वैसे भी उस स्कूल से एक वहशत सी आती थी क्योंकि बहुत बड़ा था, और वहाँ पे ये होता था कि अगर शाम का टाइम हो तो एको इतनी ज़्यादा हो जाती थी क्योंकि बिल्डिंग अंदर थी और आसपास जो रोड वगैरह भी थी, कम से कम कोई कह लो ठीक ठाक दूर चीज़ें होती थी जो बाउंड्री वॉल थी। तो जो स्कूल की बिल्डिंग के अंदर आवाज़ आती थी वो गूंजती थी। फॉर एग्जाम्पल एक किसी ने आवाज़ दी ओए तो 3-4 दफ़ा आएगी ओए ओए ओए। एग्जैक्टली हाँ, आपने अगर फुट स्टेप लिया तो पहले आपके फुट स्टेप्स की आवाज़ आएगी टक 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 टक, फिर बंदे को टक टक के ऊपर से पीछे एको आ रही होती, लगता है मेरे पीछे भी कोई टक टक करता हुआ आ रहा है। ये ऐसा ही होता था। चीजें होती थी स्टेयर्स के ऊपर चढ़ के जाना, अगर वहां से किया तो गूंजना गूंजती थी आवाज। अच्छे स्कूल कब्रिस्तानों पे बंदे, बड़े स्कूल कब्रिस्तानों में बने हैं। हाँ ये भी अकॉर्डिंग टू बच्चे और वहां के रहने वाले लोग, चाहे ना बने हो। अच्छा ये चाय भाई को पास कर, कौन सी वाली देनी है उसको? मुझे क्या पता, ये थोड़ी वाली देनी है। वो चाय चाय कर रही है कब से, भाई की चाय भाई के पास गई जी। हाँ नेक्स्ट टाइम मैं बर्फ डाल के बनाऊंगी ना। ये बाहर ना फायरवर्क की आवाज़ आ रही थी, लियो डर के बेचारा दरवाजे के पास चला गया, बहुत डर लग रहा है इसको। आई थिंक फायरवर्क ही हो रहा था ना, तो तब फायरवर्क है शायद, किसी की शादी थी होगी ना तो इसीलिए हुआ। और लियो हमारा डरपोक ना, तो कहीं का सुना था बिल्लियाँ जो है बलाएं लेती हैं, ये तो ये उल्टा बलाओं से भाग जाता है नाम सुनते ही। लियो नहीं देखना इधर, वो बेचारा बहुत टेंशन। ये सुबह जो है वो नाश्ते का टाइम था, उस टाइम पे सम्मो आई हुई थी, मैंने फिर उसके लिए भी चाय बनाई है क्योंकि ज़्यादा काम था ना, तो फिर सम्मो काम करने में लगी रही है। फिर हमने बोला चलो बैठो हम सारे चाय मिलके पीते हैं, चाय साथ में पी रहे थे और स्नैक्स जो है वो खा रहे थे। और नाश्ता जो है वो प्रॉपरली मैंने उस दिन ही किया था क्योंकि मेरी कज़न्स ने आना था तो हम लोग काम में लग गए थे। ज़्यादा काम तो वैसे तत्ता और भाभी ने ही किया था, मेरी थोड़ी सी तबीयत कल ख़राब चल रही थी, मुझे नेक में पेन हो रहा था, शायद वो पिलो जो है वो बड़ा वाला ले लिया था ना, उसकी वजह से नेक पेन हो रहा था। तो ये फिर उसके बाद खाना जो है वो भी मैं प्रॉपरली दिखा नहीं सकी थी, और मैं इसीलिए नहीं दिखा सकी थी क्योंकि बस जल्दी जल्दी वाला हो रहा था सब कुछ के कर लूँ शूट।
तबीयत की वजह से हो रहा था, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को डिटेल में दिखाती कि क्या बना है, क्या कर रहे थे सारा कुछ। उसके लिए मैं माजरत करती हूँ कि मैं आप लोगों को देखो ओपन करके भी नहीं मैं दिखा सकी थी। ये वाली जो वीडियो, मैं इसका एंड यहीं पे करती हूँ। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।